This is the question. Which one of the following statements does not hold good for this function fx is equals to cos inverse of 2x square minus 1. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिखा है does not hold good. कौन सी बात सही नहीं है रिगार्डिंग दिस फंक्शन fx equals to cos inverse of 2x square minus 1. चार ऑप्शन, पहले ऑप्शन में उसकी डेरिवेबिलिटी के बारे में बात की गई जीरो पर, बी ऑप्शन में उसके मोनोटोनिक नेचर के बारे में बात की गई, सी ऑप्शन में इवन या ऑड नेचर के बारे में बात की गई है, और डी ऑप्शन में बोला गया है fx as an extremum. Extremum का मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट. ठीक, तो बेसिकली मैं बोलूं तो नटशेल में ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का सारा कुछ इसके अंदर में इस सवाल में पूछ लिया गया. बिकॉज दिस इज अ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है ये, तो इस इनवर्स फंक्शन का मुझे ग्राफ भी आना चाहिए. ठीक, ग्राफ आना चाहिए बनाना, और जैसे ही अगर मैं इसका ग्राफ बना पाता हूं, अगर मैं इस इनवर्स फंक्शन का, अगर मैंने इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना लिया, ठीक, तो ग्राफ बना लिया तो हमारे पास सब कुछ शीशे की तरह सारी बात क्लियर हो जाएगी. आइए दोस्तों इसके ग्राफ के बारे में ही बात करते हैं, सीधा इनवर्स फंक्शन के बारे में. ये रहा आपके सामने इस फंक्शन का ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1. कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1 फंक्शन को हम पूरा का पूरा कायदे से, तो ये हमें जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, दिस नीड्स टू बी मेमोराइज्ड, ये आपको याद होनी चाहिए, नीड्स टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि क्योंकि कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं आईटीएफ के अंदर में जो हमें याद रखने हैं, जिनकी ब्रांचेस याद रखनी है बेसिकली. तो ब्रांचेस की मैं बात करूं तो बेसिकली एक्चुअली यहां पर ये जो वाई फंक्शन है ये आता कैसे है, वाई की वैल्यू ये लिखी है कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1. तो बेसिकली हम इस फंक्शन के अंदर में हम सब्स्टिट्यूशन करके, आई एम राइटिंग डाउन, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं. कैसे डिफाइन करते हैं, आइए दोस्तों इस बात को समझते हैं. पहले cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस का 1, तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, और मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x. ठीक है, obviously जो मॉडुलस x है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, तो यानी y के अंदर में बन जाता है cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1. ठीक, cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1. अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होती है. cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी y की जो वैल्यू निकल के आ गई cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा आ गई. अब मॉड्यूलस x लेस देन और इक्वल टू 1 है, और हम जानते हैं जो इनवर्स फंक्शन है cos इनवर्स x के अंदर में, जो थीटा है वो वैल्यू बिलोंग करती है 0 से लेकर के पाई तक, जो थीटा है 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग करता है. अब लेकिन cos इनवर्स के अंदर में cos 2 थीटा आ गया. अब दोस्तों आई एम श्योर ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं. क्या देखें एक मिनट के लिए, आई एम राइटिंग इट डाउन हियर. क्या बात पता होनी चाहिए अपने के, एक एक होता है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, और एक चीज होती है y इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x. ठीक है ना, या मैंने यहां पर भी x लिख देता हूं. ये वाली वैल्यू तब डिफाइंड होती है जब मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये डिफाइंड होती है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है. और यहां पर अगर मैं बात करूं तो y की वैल्यू इस रीजन में x के ही इक्वल आती है, लेकिन y इज इक्वल टू यहां पर x केवल तब होता है जब x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई होती है, मतलब इस फंक्शन की मेनी ब्रांचेस होती है, डिफरेंट ब्रांचेस होती है इस फंक्शन की. अगर मैं बात कर रहा हूं cos इनवर्स ऑफ cos x की, यानी अगर आपको ये ध्यान होगा, अगर आप नहीं भी ध्यान होगा तब भी चलेगी बात, लेकिन अगर ध्यान होगा तो बहुत अच्छी बात है. दिस इज द ग्राफ ऑफ द cos इनवर्स ऑफ cos x. क्या ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है, दिस वन एंड दिस वन. यानी कहने का मतलब ये जो ऊपर जो लाइन मैंने डॉटेड बनाई, ये लाइन होती है, ये रिप्रेजेंट करती है, दिस इज 0.0, दिस इज 0.5,
दिस इज गोइंग टू बी, क्या क्या होता है यहाँ पर सारा का सारा बात कर लेते हैं। ये जो है पाई होती है वैल्यू, ये टू पाई होती है वैल्यू, ये वाली वैल्यू थ्री पाई होती है, ये वाली वैल्यू माइनस का पाई होती है, सही है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, मैं इस ब्रांच के हिसाब से अगर बात करूं, ये ग्राफ आप सबको याद होना चाहिए, या पहली ब्रांच पे याद होती है उससे भी काम चल जाएगा। ये वाली जो ब्रांच का नाम है वाई इक्वल टू एक्स है, इस ब्रांच का नाम है वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, और अगर मैं इस ब्रांच का मतलब मान लो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, दिस इज ओ ए एंड दिस इज बी, तो अगर मैं ए बी ब्रांच की बात करूंगा तो उसका नाम आ जाएगा माइनस का एक्स और प्लस का टू पाई, दिस इज टू पाई माइनस का एक्स ब्रांच का नाम है, और इसी तरह पीछे भी इसी तरीके से ग्राफ चलता चला जाता है, यानी ये एक ग्राफ पीरियोडिक इन नेचर होता है, पीरियोडिक विद अ पीरियड ऑफ टू पाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। मैंने ऐसा इसलिए बात करी दोस्तों क्योंकि हमारा जो थीटा है वो जीरो से लेकर के पाई में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉस इनवर्स के अंदर में कॉस टू थीटा है, तो जो टू थीटा है उसकी वैल्यू जीरो से लेकर के ऑब्वियसली टू पाई हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा जीरो से पाई के अंदर में ये ब्रांच एक्स होती है, तो अब तो कॉस इनवर्स के अंदर में कॉस के अंदर में इनपुट जो है जीरो से लेकर के टू पाई तक जा रहा है, तो आई विल बी इंटरेस्टेड इन और आई नीड टू बी इंटरेस्टेड इन ब्रांच नंबर वन एंड द ब्रांच नंबर टू, ये दोनों ब्रांच में मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। उन दोनों ब्रांचेस के हिसाब से ही, यानी मैं लिख रहा हूं ये पूरी बात आप सबके लिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टू थीटा की बात करूं अगर मैं, एज पर द डेफिनेशन और द ग्राफ आई हैव मेड, ये वैल्यू क्या आ गई, ये आएगी अब टू थीटा x, बेसिकली मैं टू थीटा को बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो वो वैल्यू आ जाएगी टू थीटा, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी टू थीटा, अगर टू थीटा की वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के क्लोज पाई के बीच में है, और यही आंसर आ जाएगा कितना, टू पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह टू थीटा, यानी टू पाई माइनस टू थीटा, यानी टू पाई माइनस का टू थीटा, जब टू थीटा की वैल्यू पाई से लेकर के टू पाई हो जाएगी। और आप सब की जानकारी के लिए बता दूं, हमने थीटा किसको पुट किया है, कॉस इनवर्स एक्स को, है ना, ये पुट किया हुआ है, थीटा किसको पुट किया है, कॉस इनवर्स एक्स को, तो ये थीटा आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो वाई की वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी टू टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कब, अगर टू थीटा यानी कॉस इनवर्स एक्स अगर जीरो से लेकर के पाई बाय टू के बीच में लाई कर रहा है, और टू पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, पाई बाय टू से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रही है। अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, हम सब लोग जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, हम सब लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू जीरो से लेकर के पाई के बीच में होती है, और कॉस इनवर्स एक्स अगर जीरो से लेकर के पाई बाय टू में है तब क्या वैल्यू होती है, और पाई बाय टू से लेकर के पाई है तब वैल्यू क्या होती है, यानी ये तब होती है जब एक्स की वैल्यू क्लोज जीरो से लेकर के क्लोज वन है, और ये तब होती है जब x की वैल्यू जब माइनस वन से लेकर के जीरो, आपकी मर्जी है क्लोज इंटरवल यहाँ डाला है कहीं एक जगह पर आप हटा सकते हैं, हार्डली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो मैंने ऐसा भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी माइनस वन क्लोज से लेकर के जीरो पर आप ओपन डाल दें, क्योंकि जीरो पर यहाँ पर क्लोज आ चुका है, क्योंकि cos इनवर्स x का ग्राफ एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और वैसे भी इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट अगर जीरो से पाई बाय टू है, यानी आउटपुट पहले क्वाड्रेंट का वो तब होता है जब इनपुट जीरो से वन होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का तब होता है यानी पाई बाय टू से पाई अगर इनपुट नेगेटिव होता है, और हमें पता है कॉस इनवर्स एक्स के अंदर में जो डोमेन होती है इतना आप सभी ने पढ़ा हुआ है, मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू वन होता है, यानी बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन हो गया, वाई की जो वैल्यू है ये है और ये है, डिपेंडिंग ऑन दिस एक्स एंड दिस एक्स, यानी ब्रांचेस आ गई हमारे पास, यानी देखिए दोस्तों 2 cos inverse x अगर x 0 से लेकर के 1 है, और 2 pi minus का 2 cos inverse x अगर x की वैल्यू क्लोज्ड minus 1 से ओपन 0 या फिर क्लोज 0 डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने अभी ये चीज आपके लिए डिराइव करी, मैंने आपके लिए क्या करा, इसको डिराइव करा, कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन आप सोचे खुद से, अगर आपको ये खुद हर बार डिराइव करना पड़ेगा इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो ITF चैप्टर के अंदर में ये चीजें पढ़ते हैं, तो इसकी ब्रांचेस हमें कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ, उनके में याद करनी होती है, तो दिस इज वन ऑफ द स्पेशल दैट फंक्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अपन जानते हैं, तो ये तो सिंपल और सिंपल
इसका जो ग्राफ बनाया जा सकता है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट्स, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने क्यों बोला ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बात कर सकते हैं, कारण है भैया हमें कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ तो आता है, कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें आता है, तो बेसिकली हमने इस ग्राफ को कॉज इनवर्स एक्स के ग्राफ से टू कॉज इनवर्स एक्स के ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, और उस ग्राफ से माइनस टू कॉज इनवर्स एक्स के ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, और उस ग्राफ से माइनस टू कॉज इनवर्स एक्स के अंदर में टू पाई आप ऐड कर देंगे, इस ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, तो बेसिकली तीन स्टेप मिला करके ट्रांसफॉर्म करके आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया, तो माइनस वन से लेकर के वन के रीजन में आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ, और हम देख पा रहे हैं माइनस वन से लेकर के जीरो में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और जीरो से वन के अंदर में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर आ रहा है फंक्शन का, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन कैसा हुआ, नॉन मोनोटोनिक हुआ, क्योंकि अगर फंक्शन इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर एग्जिबिट करता है गिवन डोमेन के अंदर में, तो उसे मोनोटोनिक कहा जाता है। तो इसका मतलब जो बी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो ध्यान से देखें, स्टेटमेंट नंबर बी मोनोटोनिक दी गई है, हमसे यही पूछा गया था, डज नॉट होल्ड गुड, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात समझ में आई? आई एम श्योर इस क्वेश्चन के अंदर में आपने इस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना आपने सीखा, मेथड सीखा कि किस तरीके से ब्रांचेस बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हमने उसकी डिफाइन करा पूरा का पूरा ब्रांचेस, और मैंने आपको बताया कि कौन से फंक्शंस या कौन से आईटीएफ हमें याद रखने हैं, क्योंकि अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग है चीजें, और किस रीजन में उसका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ गया या आया, मेकिंग द ग्राफ यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट।